हेलो गाइस, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। एक एटीएम बंद पड़ा था, खराब पड़ा था, और उसकी कंप्लेंट होने के बाद कर्मचारी उसको ठीक करने के लिए आए, और जब वो ठीक कर रहे थे उस एटीएम को, और उसके बाद उनके पैरों थले जमीन खिसक गई। क्या है ये पूरा मामला, कहां से आ रहा है ये पूरा मामला, कहां का है ये एटीएम, और क्या ऐसा हुआ था कि उनके पैरों थले जमीन खिसक गई, वो सब चीजों के बारे में मैं आज की न्यूज में आपको बताने जा रही हूँ। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते एक कमेंट करते हुए जरूर जाइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। उन चूहों ने अंदर बड़े एटीएम के पैसों को यानी कि कुतर दिया, और वो पूरे के पूरे ऐसे बना दिए कि जैसे कोई कागज को उन्होंने पीसेस पीसेस कर दिए हो, और इतने सारे पैसों का उन्होंने इस तरीके से रद्दी बना दिया कि आप भी सोच के हैरान हो रहे होंगे, आप भी सुन के हैरान हो रहे होंगे। उन्होंने कम से कम 12,38,000 को रद्दी बना दिया, और वहां पर बोला गया है कि इस एटीएम में कम से कम 29 लाख रुपए थे, जिसमें से उनको अभी बचे हैं 17 लाख रुपए, और जो थे 12,38,000 वो चूहों ने रद्दी बना के रख दिया है। और इसके ऊपर जब लोगों ने ये चीजें सुनी तब उन्होंने ये चीज बोली कि ये तो सिर्फ स्टेट बैंक की ही गलती है। जब पहले दिन ही ये एटीएम खराब हुआ था तब यहां से कंप्लेंट जा रही थी, और कोई भी कर्मचारी इसको ठीक करने के लिए नहीं आ रहा था। अगर वो पहले ही दिन या दूसरे ही दिन इसके ऊपर एक्शन लेते तो शायद ये पैसा बच जाता। और इसके ऊपर स्टेट बैंक का कहना ये है कि ये किसी ने मजाक किया है, या कुछ ना कुछ कोई बदला लेना चाहता है, या किसी ने ये सब चीजें चूहों को उस एटीएम में डाला है, और एटीएम में डाल के पूरे पैसे बर्बाद किए हैं, या कोई उस एटीएम को खोलना चाहता था, खोल नहीं पाया, और उसने गुस्से में ये सब चीजें कर दी। क्या गाइज ये सब चीजें सच है? क्या ये स्टेट बैंक सिर्फ अपनी गलती को छुपाने के लिए ये सब चीजें कर रहा है, या वो किसी के ऊपर डाल रहा है कि उनके ऊपर कुछ ना आए, वो कर्मचारियों के ऊपर ना आए जो कि एक महीने के बाद आए थे उसको ठीक करने के लिए? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की न्यूज आपको सुन के अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहे और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।